परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की वाणी हम सबको इस वाणी को अपने भीतर पूर्ण रूप से बसा लेना है। क्या जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम राम कर जाप, एक दो चार नहीं, जो भी विधाता ने हमारे लिए कर्मों को नियत कर दिया है उनको दत्त चित होकर के करना और भगवान की पूजा मान करके करना। क्यों? प्रत्येक कार्य को करने वाला वह आप है। अब यहां पर गीता को समझना पड़ेगा, साथ में श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय और 27वां श्लोक। अपने कर्तापन का अभिमान कदापि ना कर, क्योंकि वास्तव में देखने में है तू कर रहा है, तेरे द्वारा हो रहा है, यह सिर्फ चरम चक्षुओं से तू अवलोकन करता है या अभिमान के कारण मैं करने वाला हूं। गीता का 3रा अध्याय और 27वां श्लोक महाराज ने स्पष्ट किया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की वाणी। हमने गीता ज्ञान यज्ञ संपन्न किया, परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, इसके प्रत्येक पाठक को इस पाठ को समझने के लिए वह अधिक समय लगावे। जब तक नवरात्रों के उपलक्ष में श्री रामायण के पाठ नहीं आरंभ हो जाते, तब तक श्रीमद् भगवत गीता को पूर्ण रूप से समझने का हम प्रयत्न करें। अपने नित्य जीवन के व्यवहार में श्रीमद् भगवत गीता को अपने मन में अपने भावों में बनाए रखना, ना तो परेशान होंगे ना मानव कोई दुखी हो सकता है अगर इसको समझ लिया। क्या प्रकृति जो जो भी गुण है हमारे भीतर उत्पन्न किए हुए, जो जो समर्था दे रखी है, उस प्रकृति से उस परमात्मा से ही हमें प्राप्त है, यह मूल कारण है। पहले तो अगर किसी भी व्यक्ति को जो जो भी शक्ति दे रखी है, जो उसमें विशेषता है, जो उसमें समर्थता है, अब उस परमात्मा ने उस व्यक्ति से कोई कार्य लेना है। देने वाला पहले वो देगा, फिर उससे कार्य लेगा। अब जो भी कोई अभिमानी मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, वह दुखों को कष्टों को तकलीफों को आप न्योता दे देता है। दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न स्वयं नहीं आते, मानव अपने कर्मों के कारण इनको न्योता देता है, इनको बुलाता है, अपने जीवन में इसको उत्पन्न कर लेता है। पाठ प्रकृति जो मूल कारण है, प्रकृति के गुणों द्वारा सर्व प्रकार कर्म कराए जाते हैं। अब जो भी मानव कर्म करता है ना, वास्तव में उसको बुद्धि, फिर कार्य करने की शक्ति, अकेली बुद्धि ही नहीं, इसको कैसे किया जाएगा। अब
बुद्धि तो मिल गई, इसको ऐसे किया जाएगा। अगर शक्ति नहीं है तो फिर कैसे किया जाएगा? इसको समझ लेना पूरी तरह। उत्तरोत्तरी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत तीव्रतर गति से हो जाती है, और वह शक्तियां परमपिता परमात्मा की ऐसे भक्त के भीतर प्रकाशित हो जाती हैं, जो ये पूर्ण रूप से जान लेता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वह परमात्मा आप कर रहा है, बस मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये भाव ना होवे, वह अभिमान में आ जाएगा, परंतु कर्तापन के अहंकार से, जिसका आत्मा अति मूढ़ है, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, चैतन्य शक्ति आत्मा, मैंने अपने हाथों से काम किया है, मैंने अपनी बुद्धि से, यूं अपने मस्तक पर, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा भाग्य, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, दिन रात मेहनत की है मैंने, वह भूल जाता है कि ये सब आत्मा करने वाला है। तेरे हाथों से कार्य आत्मा कर रहा है, तेरे पैरों से कार्य आत्मा कर रहा है, जो ये बुद्धि, तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे कर्म कलाप, ये आत्मा कर रहा है। एक आत्मा बाहर निकल गया, वह चैतन्य शक्ति, हाथ लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं, ये मस्तक भी ये ऐसे ही पड़ा है, अब क्यों नहीं कार्य कर रहा? अब अपने हाथों से, जो तू कहता है ना अपने हाथों से बनाया है, अब बना ले। महाराज ने कहा, कर्तापन के अभिमान से जिसकी चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति आत्मा, वह मानता ही नहीं, ये प्रकृति, ये आत्मा कर रहा है, मैं कर रहा हूं, शरीर तक सीमित हो जाता है, मैं करने वाला हूं। जिनकी चैतन्य शक्ति मंद पड़ गई है, वह मैं कर्म करने वाला हूं ऐसा मानने लग जाता है, ऐसा मानने लग जाता है, करता नहीं, वह होता नहीं उससे। ऐसे व्यक्ति जो अभिमान में कि मैं करने वाला हूं, राम भक्त जिसको यह ज्ञान हो जाता है, वह पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, करण करावन आप। ऐसे व्यक्ति जो अभिमान में कि मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हुआ है, अगर मैं ना करता तो पता नहीं क्या हो जाता, ये संसारी मनुष्य है जो इस संसार के झमेलों में पड़े रहते हैं, वह समर्पित नहीं होते, परमेश्वर के आगे उसकी शक्ति को वह कुछ भी नहीं मानते, अपने आप को ही सर्वस्व मान बैठते हैं, ये अभिमानी। उनके भीतर कर्तव्य अभिमान होता है कि मैं करने वाला हूं, फिर भी विलक्षणता तो यह है कि उनका यह स्वभाव कि मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये कब तक कायम रहता है? यह अभिमान, मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, कब तक कायम रहता है? जब तक कार्य सिद्ध होते रहते हैं, जब तक वह परमात्मा कार्य को सफल बना रहा है,
अज्ञानवश मैं करने वाला हूं। अपना कार्य बिगड़ जावे, हानि हो जावे, ये अभिमान तुरंत समाप्त हो जाता है कि मैं करने वाला हूं। अब क्या, जब तक तो कार्य सिद्ध हो रहे थे, मैं करने वाला हूं, बिगड़ गया, बाधा आ गई, घाटा हो गया, भाई अब उनका भाव देखना क्या होगा। मैंने तो पूरा प्रयत्न किया, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। अब काम बिगड़ गया, घाटे हो गए, घाटा देने के लिए भगवान आ गया। भगवान का ये कार्य है तेरा काम बिगाड़ना? ऐसे अभिमानी अज्ञान में दुखों को प्राप्त कर लेते हैं, कष्टों को प्राप्त कर लेते हैं, आप प्राप्त करते हैं, कोई देने वाला नहीं, कष्ट और दुख मैं करने वाला हूं। ये अभिमान जब मानव के ऊपर छा जावे तो वह तुरंत जान जावे कि अब मेरा पतन सुनिश्चित है, परमेश्वर को भूल जाता है कि वो करने वाला है, मैं करने वाला हूं। रघुनाथ जी ने हनुमान जी से पूछ लिया, स्वामी से, सेवक बड़े स्वामी अपने सेवक से क्या प्रश्न करते हैं, हे हनुमान मानव के ऊपर दुख कष्ट बाधा विघ्न तकलीफ कब आते हैं? अब हनुमान जी का जीवन क्या है, पूर्ण समर्पित, अपने आप को क्या कहते हैं, मैं तो श्री राम का दूत हूं, मैं तो सेवक हूं। लंका में भी क्या कहा, रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी, हे मां मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, दूत हूं श्री राम का। नहीं भूले कि श्री राम की ही शक्ति मेरे भीतर कार्य कर रही है। कितनी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, जब चाहे अपना आकार पर्वत समान बना लेवे, समय के अनुसार जब चाहे अशोक वाटिका में एक वृक्ष पर वास करना है, वहां जाके निरीक्षण करना है, अपना शरीर छोटे मच्छर के समान बना लिया। समुद्र पार करना है पर्वत समान, क्योंकि समुद्र को पार करना कोई सरल कार्य नहीं था। अपना विशाल देह पर्वत समान, कूदा सी समान, जाता जल को चीरता, जो वह हस्ती महान, तब इस रूप में ऐसा शरीर चाहिए था। अब उस समय अगर मच्छर की भांति छोटा शरीर हो तो समुद्र को पार ना किया जावे, वायु ही उसको उड़ा ले जावे। और अशोक वाटिका में वह निशाचर पहचान ना ले तो वह छोटा सा शरीर बना लिया। इतनी रिद्धियां सिद्धियां होते हुए भी क्या, हे प्रभु मैं तो आपका दास हूं, कहीं अभिमान नहीं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, अगर मैं ना करता तो पता नहीं रघुनाथ जी का क्या होता। रघुनाथ जी कैसे परीक्षा लेते हैं, हे हनुमंत ये तो बताओ, जीवन में दुख कष्ट तकलीफ विपदा ये कब आके घेरती है? हे प्रभु आप मेरे से पूछ रहे हैं,
परमेश्वर ते पुलिया व्यापन सबन रोग एक अपना अभिमान आ जावे, मैंने किया है, मेरे द्वारा हो रहा है, अगर मैं ना करूं पता नहीं क्या हो जावे, और परमेश्वर को भुला दे जो मूल कारण है, सारी प्रकृति को चलाने वाला, सारे विश्व को चलाने वाला, तीनों लोकों को चलाने वाला, अगर ये ना माने मानव कि वो कर रहा है, क्या मान बैठे अभिमानवश, मैं कर रहा हूं। परमेश्वर हे भगवान हे देव, उसके जीवन में दुखों का पहाड़ आन खड़ा होगा। परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सबन रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, प्रकृति के प्रकोप उसको आन घेरेंगे। पर तू करता है, अब तू बच के दिखा, अगर तू समर्थवान है ना, अब ये तेरे ऊपर विपदा मैं डाल रहा हूं, अब इससे ही बाहर निकल के दिखा। नष्ट हो जाया करते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक को, एक ही श्लोक अमृतवाणी में इसको बंद कर दिया, 22 पृष्ठ 52 श्लोक, विश्व वृक्ष का राम है मूल, इस सारे विश्व को चलाने वाला विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल, उसको ना भूल। इतना अभिमान मत कर बैठ कि मैं करने वाला हूं, कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा, ये लोक भी बिगड़ जावेगा, परलोक तो अज्ञात में जन्मों में युग परिवर्तन हो जावेंगे, युग परिवर्तन हो जावेंगे, उन दुखों से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? मैं करने वाला हूं, अब इस दुख से बाहर निकल के तो दिखा। तू कहता था ना मेरे द्वारा होता है, मैं करता हूं, ले एक दुख दे दिया, अब इससे ही बाहर निकल के दिखा, फिर मानू कि तू करने वाला है। युग परिवर्तन हो जाते हैं, युग कई लाख वर्षों तक अंधकार में जीवन वह भटकता रहता है, कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता। अब अगर कोई पुराना पुण्य कर्म जागृत हो जावे तो पूर्ण गुरु का मिलाप परमपिता परमात्मा करवा देता है। गुरु शरण में बैठ करके भक्ति के भेद को जानने के लिए गुरु ने हम सबको, देवादि देव ने पूर्ण गुरु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इस रूप में प्रकट हमारे को मिला दिया, और गुरुदेव ने कहा प्यारे अभिमान ना कर बैठना, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। करण करावन आप, सांस सांस से सिमर सुजान, ये सांस भी उसी के दिए हुए हैं, जब वह चाहे इसको वापस ले लेवे। सांस सांस से उसका धन्यवाद कर, उसके नाम का सिमरन कर, राम राम प्रभु राम महान, वे ही एक महान है, अपने आप को महान बड़ा समझ करके दुखों को ही न्योता देगा, और तू क्या करेगा। अब बचाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि मैं करने वाला हूं, अब तू बच। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम 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 प्रभु राम महान, वही एक महान है। आज मंगलवार
साय प्रार्थना सभा 7 से 8:15। आज का दिन मिलाकर 3 दिन यहाँ पर हो, आज मंगलवार, बुधवार और वीरवार, शुक्र और शनिचरवार मैं हिमाचल के कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाऊंगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व शक्ति माते परमात्मनि श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति माते।